मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर स्थित सिप्रापत थाने में सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और एसीपी संजय शर्मा के बीच हुए विवाद का सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो में मंत्री राठौड़ गुस्से में नजर आ रहे हैं और एसीपी संजय शर्मा से तीखी बहस करते हुए दिख रहे हैं। थाने में पैरा कमांडो अरविंद सिंह राजपूत के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित मारपीट की घटना से जुड़ा सैनिक कल्याण मंत्री राठौड़ इस मामले को लेकर जवाब मांगने सिप्रापत थाने पहुंचे थे। वायरल वीडियो में राठौड़ एसीपी संजय शर्मा से सख्त लहजे में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, संजय जी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप वहां किससे बात कर रहे हैं, मैं यहां धैर्य से बैठा हूं और जब आपसे बात की जाए तो बात करें, नहीं तो सावधान में रहें। बेसिक मैनर भी आपने नहीं सीखा या वर्दी का कोई अलग रोब हो गया है, यहाँ कोई दादागिरी चल रही है क्या? ये घटना अब चर्चा का विषय बन गई है और इसके बाद से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की प्रतिक्रिया और मीडिया के वायरल होने के बाद राज्य सरकार और पुलिस विभाग से अधिकारियों बयान की प्रतीक्षा की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए, बहुत ही दुखद मामला मेरे संज्ञान में आया जहाँ एक भारतीय सैनिक को, जो सर्विंग सोल्जर है, कश्मीर के अंदर जो सर्विस कर रहा है, वो यहाँ जयपुर में किसी कारण आता है तो उसको पकड़ के, एक सर्विंग सोल्जर को पकड़ के पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिस कर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन दो तीन व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी है। मुझे राजस्थान पुलिस, क्योंकि मैं खुद वर्दी में रहा हूँ, राजस्थान पुलिस को हम सम्मान भी करते हैं, उस पर उन पर विश्वास भी है। मुझे राजस्थान पुलिस पर विश्वास है कि वो ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस कर्मियों की मानसिक जाँच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और वर्दी में भी हैं। जो कानून का पालन कर रहा हो उसके ऊपर वर्दी का धौंस दिखाना ये कायरता है। मुझे यकीन है कि राजस्थान पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये भी सरकार की जीरो टॉलरेंस में आता है कि चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन का दूसरा डिपार्टमेंट हो, कानून से काम करना, संविधान से काम करना ये जिम्मेदारी है। और पुलिस को जो पावर और ताकत मिली है वो देश के संविधान ने दिए, देश की सरकार ने दिए, तो जिम्मेदारी भी हो जाती है उसके साथ साथ। इतनी बुरी तरह उस व्यक्ति को मारा गया कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर तस्वीरें जो हैं वो देखी मैंने, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि असॉल्ट बाय पीपल। एक भारतीय सैनिक को 5-5 पुलिस कर्मियों ने पकड़ के मारा, वो भी बिना कानून के और बिना कारण के। तो इसका मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोगों का जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी है। डीजी पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, कमिश्नर पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, लेकिन मुझे लगा कि एक सैनिक के लिए मुझे यहाँ आना जरूरी है जिसकी इस तरह से बेइज्जती हुई यहाँ पे, और पुलिस ने आश्वस्त कराया कि वो कार्रवाई करेंगे।